हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 10th है एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का चैप्टर है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक्स है। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का और 7 का पार्ट में बताने जा रहा हूं। ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इससे पहले भी बच्चों मैंने 8.1, 8.2, 8.3 के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बच्चों बेसिक्स को मजबूत कर लें तो बहुत आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन दिया बच्चों, अंडर रूट ऊपर दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस tan a। तो इसमें बच्चों प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं LHS से। इसमें देखो बच्चों ये साइड है, इसमें करना क्या है मुझे, नीचे 1 माइनस साइन ए है तो इसके उल्टे अपोजिट 1 प्लस साइन ए की ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैच का रूल है बच्चों, कंजुगेट से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऊपर वाला हटने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए में भी मैंने नीचे वाले से गुणा कर दी उल्टे से, माइनस का उल्टा क्या होता है बच्चों प्लस, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 1 माइनस साइन ए है नीचे, ये पहले से था, इसमें भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में मैंने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आगे देखते हैं करना क्या है। ऊपर बच्चों ये भी 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है। अगर मैं एक्स मान लो यहां भी एक्स है, एक्स है तो दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार बच्चों 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए के ऊपर क्या आएगा बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। नीचे बच्चों एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार 1 माइनस साइन ए है, एक बार 1 प्लस साइन ए है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी का। ये फॉर्मूला जब बंद होता है तो बच्चों ये किस फॉर्म में बंद होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बंद हो जाता है। अब बच्चों एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है तो a की जगह क्या है 1, तो a के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, और b की जगह बच्चों 1 माइनस सॉरी साइन माइनस a तो b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर a, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाने से क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा हमारा। अब इसका क्या होगा बच्चों, 1 स्क्वायर से रूट कट जाएगा ऊपर वाला, स्क्वायर से ये रूट ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस साइन ए ही बचेगा, और नीचे आप देखेंगे तो बच्चों क्या बच रहा है, नीचे वाला रूट नहीं कटा है अभी, ये दोनों के ऊपर है रूट, ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए। तो चलो ए के साथ में काट दूंगा दोनों का, अभी ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो बच्चों a ही होता है, और हमारे पास आपको पता है फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है बच्चों 1 पे। अब क्या होगा बच्चों cos स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बच्चों कई तरह से चेंज हो जाता है, तो ये नीचे वाला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो है बच्चों 1 का स्क्वायर a ही रहता है बच्चों, ऊपर चाहे 2 लगाओ या मत लगाओ, अब 1 एकम 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर है बच्चों, cos स्क्वायर a के बराबर है, किसके बराबर है cos स्क्वायर a के। तो नीचे वाले को मैंने क्या लिख दिया बच्चों cos स्क्वायर a लिख दिया। अब क्या करना है यहां पे, उसका भी स्क्वायर हो रहा है बच्चों ऊपर और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो रहा है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अंडर रूट ऊपर ही रहेगा 1 प्लस साइन ए और बच्चों नीचे क्या रहेगा कोस ए, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो रहा है बच्चों, नीचे वाले का भी स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों के स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट से बाहर ऐसे लिख दिया, इसका स्क्वायर भी यहां पर पहुंच गया, इसका स्क्वायर भी, इसका मतलब है ये स्क्वायर दोनों का है, न्यूमिनेटर का भी डेनोमिनेटर का भी है, अंशुर हर दोनों का ये स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, कोस ए ऐसे ही रहेगा बच्चों नीचे जैसे था। अब बच्चों नीचे वाले टर्म को आप स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, ये कोस ए बच्चों 1 के नीचे भी है और ये कोस ए साइन ए के नीचे भी है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे
वन अपॉन कॉस ए, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे बच्चों, और यहां पे क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, एज इट इज जैसा था ऐसा था ऐसे आप लिख दें। अब बच्चों आपको पता है कि वन अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है sec a, तो वन अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है बच्चों sec a के इक्वल होता है, फिर ये प्लस का साइन ऐसे लगाएंगे, और बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला है tan a, साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है बच्चों tan a के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप tan a। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे अगर अच्छी से पकड़ बना ली तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, जितने भी फॉर्मूले उनको सीख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए आराम से। तो देखो बच्चों ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर आ गई बच्चों राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7, इसका बच्चों 7 पार्ट में देख लेते हैं, इसका 7 पार्ट में क्या दिया हुआ है क्या सोल्व करना है आपको। तो 7th जो पार्ट है बच्चों उसका वो भी बड़ा आसान पार्ट है, कोई हार्ड नहीं है। 7th पार्ट में क्या दिया बच्चों, 7th पार्ट है बच्चों साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये दिया हुआ बच्चों, मतलब ये पूरा का पूरा किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो इस पूरे को आप टेन थीटा के कैसे प्रूफ करेंगे इक्वल, तो देखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ऊपर बच्चों देखना क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे भी साइन थीटा है यहां पे साइन की पावर 3 थीटा है, तो दोनों में क्या कॉमन है बच्चों साइन थीटा कॉमन है, तो आप ऊपर से क्या कॉमन ले लेना साइन थीटा कॉमन ले लेना, यहां से जब साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहां से साइन थीटा बाहर हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बच्चों यहां पे 1 साइन थीटा बाहर चला जाएगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। नीचे बच्चों कोस थीटा है तो कोस थीटा कॉमन ले लेंगे यहां पे, यहां क्या बचेगा बच्चों 2 कोस की पावर 3 है, यहां पे 3 में से 1 कोस थीटा जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां पे माइनस से 1 बाहर आ जाएगा कॉमन, कोस थीटा बाहर आ जाएगा ऐसे। अब देखो बच्चों यहां पे ये क्या हो रहा है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, ये इसी के इक्वल होता है, नीचे वाले के ही इक्वल होता है। इसे प्रूफ करना है तो बच्चों प्रूफ करने का एक तरीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसे आप क्या करना साइन थीटा को क्या करेंगे बच्चों, इसे साइन थीटा को ऐसे लिखना जैसा था, और 1 को क्या लिखते हैं बच्चों 1 का फॉर्मूला आपको पता है, a किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बच्चों माइनस की जगह माइनस ही लगाना और 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देना जैसा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख देना, ठीक है। नीचे बच्चों कोस थीटा है तो कोस थीटा को ऐसे ही रखना, कोस थीटा ही रहेगा। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखना बच्चों जैसा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 को क्या लिखते हैं बच्चों वही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस बच्चों इसलिए लगाया मैंने यहां पे क्योंकि 1 के बाहर क्या है माइनस है, जब माइनस प्लस में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते बच्चों, आपको पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बच्चों किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है, तो ऊपर क्या लिख दिया आपने टेन थीटा। अब ऊपर देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका है माइनस का है, तो बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चला जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहां पे क्या लिखेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 प्लस का चला गया तो माइनस का बचा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, ये बंद हो गया यहां पे, और नीचे भी ऐसे हो रहा बच्चों देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का चला गया तो बच्चों क्या बचा 1 कोस स्क्वायर थीटा बचा प्लस का बचा फिर बच्चों माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बचे,
ये बच्चा इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी cos² थीटा माइनस sin² थीटा है, ये भी cos² माइनस sin² थीटा है, सिर्फ हमारे क्लास क्या बचे बच्चों tan थीटा इक्वल टू किसके आएगा, ये tan थीटा। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, राइट हैंड साइड। तो देखो बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू हुआ था, खत्म राइट हैंड साइड पे हो गया है, tan थीटा के बराबर आ गया। अगर प्यारे बच्चों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कर दें, व्हाट्सएप कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी कुछ मैथ्स में हेल्प मिल सके। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।